नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी में तीन बदमाशों ने एक शख्स पर सिर्फ इसलिए गोलियां चला दी क्योंकि उसने बदमाशों को नशीला पदार्थ देने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, पीड़ित शख्स दरअसल नशीला पदार्थ बेचने का काम करता था, जिसके चलते तीन युवक कार में सवार होकर उसके पास शुक्रवार देर शाम पहुंचे थे। उसमें से एक युवक कार से निकलकर उसके पास गया और नशीला पदार्थ देने को कहा, लेकिन जब शख्स ने उन्हें मना किया तो एक युवक ने गाड़ी से हथियार निकाला और फायरिंग कर दी। गोली चलती देख शख्स नीचे बैठ गया और अपनी जान बचाई। इतने में मोहल्ले के लोग भी गोली चलने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले। लोगों के डर से आरोपी गाड़ी और हथियार वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। कटोले को बैठा हुआ था वो गौरव नामक युवक आया मेरे पास, मेरे से कहना था गांजे की दो पुड़िया दे दे। मैं बोला जी मैं तो बेचते नहीं, ये काम मैंने कभी करा नहीं है। तो बोला मैं परसों लेके गया हूँ। मैं बोला भाई जो पहले करते थे 3 महीना बंद हो गए उनको करे हुए, वे खाटू श्याम जी गए बच्चे यानी कि झंडा चढ़ाने के लिए। उसके बाद आए आके फिर गाड़ी को चोल के कहने लगा, फिर जिद बहस करने लगा। दो लोग और गांजे में बैठे हुए थे, उन्होंने आया मैं बाहर आया, जैसे उन्होंने मेरे को बुला लिया इधर आ रहे, ये कह रहा है इससे कि वो कर रहा है। मैं बोलना मैं क्या करूँगा, जब एक चीज़ आई ना प्यार से कहती मना कर दी तो कर दी। उन्हें डोकली काटी, डोकली काट दी मेरे ऊपर गोली चला दी। मैं बैठ गया ग्राउंड पर ही हुआ। कौन थे वो? एक को जानता हूँ मैं, दोनों को नहीं जानता। कौन? कितने लोग थे? लोग थे। अभी सूचना मिली डायल 112 से कि जो बात बोला है इसमें ना गोली चली, फायरिंग हुई है। इसमें मौके पर आए हैं, मौके पर फॉर्चुनर गाड़ी है जिसमें ऐसा 36 15 15। इसमें बता रहे हैं कि हरीराम नाम का जो व्यक्ति इस नगार में बैठा था, उन्होंने आके मेरे हिट नशे की डिमांड की और उसके अकॉर्डिंग जब मना किया तो होटा को भी और उसमें ना गोली चलाई, जिससे लगी नहीं गोली किसी की, लेकिन फायरिंग होने की घटनाएँ बता रहे हैं। फॉर्चुनर गाड़ी है ये, मौके पर ही है और वो उनका कोई वेपन नहीं छीन गया इन्हें पब्लिक की वजह से, वो भी मौके पर हमें मिल गया। इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लेंट आई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लेंट प्राप्त हो जाएगी इसको तो जो भी फैलोज कर। अभी तो एक वो डोगा बोलते हैं उसको, ठीक है आप जो राइफल होती है तुम्हारी, तो फिलहाल तो उसी की इंडिपेशन है और जाँच करें आप शुरुआती आपस में गेंगवारी समझे। नहीं नहीं ऐसा कुछ प्राथमिक पूछताछ में नहीं आया, कोई पुरानी नोंद नहीं है ना कोई ऐसी जानकारी की बात आई है। तो करें गांजा लेने की? हाँ ये तो जो कंप्लेनेंट है उसने ओरल पूछताछ पर यही बताया, क्योंकि जो कंप्लेनेंट ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ।